हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस फ्लावर वाले डिज़ाइन का कपड़े का जो ड्रेस बनाया था उसको रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये कपड़ा मेरे पास बहुत ही कम था, इसलिए ऊपर वाला कटिंग मैंने रेड कलर का किया है और उसके साथ ब्लैक कलर भी यूज़ किया है। तो कटिंग करने के बाद मैंने नीचे के हिस्से का फ्लावर वाले डिज़ाइन का उसका सिलाई कर लिया, साइड की सिलाई। और उसके बाद वो कलर कपड़ा थोड़ा पतला था, इसलिए नीचे मैंने ब्लैक कलर का एक कपड़ा रख दिया और उसकी सिलाई कर दी छोटे छोटे पैटर्न्स बनाकर, और ऊपर के हिस्से के साथ उसको मैंने जोड़ दिया। और ये है हाथ का डिज़ाइन, इसकी मैंने पहले सिलाई कर ली थी। उसके बाद मैंने उसका थोड़ा मेजरमेंट लिया कि हाथ के साथ वो ठीक से फिट होता है कि नहीं, और उसके बाद मैंने थोड़े से रेड कपड़े को छोटे छोटे पैटर्न बनाकर वो हाथ वाले वो जो स्टिक बनाए थे ना उनके साथ मैंने उसको जोड़ दिया। और उसके बाद जोड़ने के बाद ये ऐसे दिख रहा था और ये हो गया ड्रेस रेडी हाथ को लगाने के बाद। तो ये कपड़ा बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये है गर्दन का डिज़ाइन, उसको मैंने सीधा ही रखा है और उसके साथ मैंने ये हाथ का ये छोटे छोटे पैटर्न बनाकर ये हाथ का डिज़ाइन बनाया था। उसको मैंने बहुत ही छोटा छोटा पैटर्न बनाया, ज़्यादा बनाऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा और पहनने में भी हाथ में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। वो नीचे का हिस्सा मैंने खुला ही रखा है, बस ऊपर की तरफ ही वो लगाया था, नीचे मैंने जोड़ा नहीं, नहीं तो वो अनकम्फर्टेबल फील होगा और बहुत ही टाइट होता। वो थोड़ा सा हाथ लूज है फिर भी चल जाएगा। ये नीचे की तरफ भी लाइनिंग नहीं दिख रही है क्योंकि जो हाथ का जो वो है ना उसके साथ ही मैंने घुसा दिया था वो वाला कपड़ा, इसलिए उसका सिलाई दिख नहीं रहा है। और इसके साथ मैंने जोड़ दिया है इसको। और ये नीचे मैंने ऊपर के रेड कलर के साथ नीचे का स्कर्ट डायरेक्ट नहीं जोड़ा है, नीचे एक ब्लैक कलर का बेल्ट रखा है ताकि इसका लाइनिंग सही ढंग से हो। और इस वजह से मेरी कमर भी थोड़ी सी सोती लग रही है, इतनी सोती है नहीं। और ऐसे इस साइड से मैंने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिलाई मार दिया है ताकि कमर का जो वो वेस्ट है ना उसका मतलब ठीक से नज़र आए, वो स्लिम दिखे ड्रेस कमर की तरफ। और पीठ की तरफ मैंने जिप्पर लगाया है, इस बार का जिप्पर नीचे लग गया, हाथ के नीचे नहीं। और पीठ का डिज़ाइन भी एकदम सीधे है, क्वेर डिज़ाइन है और पीठ की तरफ ही ऐसे दिख रहा है। बैक की तरफ भी ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और नीचे की तरफ मैंने जो बोला था ना रेड कलर का वो लाइनिंग लगा है, जिस वजह से ये फ्रॉक मतलब थोड़ा फ्लोई दिख रहा है। ये अगर नहीं लगाती तो वो फ्रॉक ऐसे ही मतलब गिरा रहता। और नीचे की लाइनिंग मैंने सोता करके ऐसे ब्लैक कलर का रखा है, उसको ज़्यादा लंबा नहीं रखा, ऊपर के कपड़े को भी लंबा रख दिया। तो ये है ड्रेस, इसके साथ मैं परी जैसी लग रही हूँ। और हाँ, ऊपर का हिस्सा मैंने रेड कलर का इसलिए रखा क्योंकि नीचे के जो स्कर्ट के डिज़ाइन है ना उसमें भी रेड कलर के फ्लावर्स थे। अगर कपड़ा ज़्यादा, इस कपड़े में भी मतलब ज़्यादा कपड़ा नहीं था, सो नीचे का जो कपड़ा था ना वही था, उससे सिर्फ ऊपर का ही बन सकता था या फिर नीचे का। ऊपर का मैं बना नहीं सकती थी क्योंकि वो कपड़ा बहुत ही पतला था, और नीचे अगर उससे थोड़ा ज़्यादा भारी कपड़ा अगर लगाती तो वो फट जाता या फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला कपड़ा नीचे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उस कपड़े को नीचे रखा। और इसके जो फ्लावर मैचिंग है, मेरे पास येलो कपड़ा भी था लेकिन येलो इसके साथ मैच नहीं होता, ब्लैक भी था लेकिन ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोच समझ के मैंने सोचा कि ऊपर का हिस्सा मैं रेड कलर का ही रखती हूँ, नीचे जैसे फ्लावर है रेड कलर इसलिए रेड कलर का वो रखती हूँ ऊपर का टॉप, और ब्लैक कलर का फ्लावर है इसलिए बीस में मैंने ब्लैक कलर का एक बेल्ट रखा। और रेड ऊपर भी था इसलिए मैंने रेड कलर का जो पत्ती है ना वो स्कर्ट के नीचे भी लगा दिया। इस तरह मैचिंग करके मैंने पूरा जुगाड़ लगा दिया, मतलब कपड़ा कम था फिर भी दो तीन कपड़ों को जोड़ के एक पूरा ड्रेस बना दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कोई डिफरेंट फ्रॉक है, ऐसा पूरा का पूरा फ्रॉक ही मैच हो रहा है। और इसके जो पेटल्स है ना जो स्कर्ट के, उसको मैंने बहुत ही छोटा छोटा प्लेट करके बनाया है इसलिए वो ज़्यादा फूल रहा है। ऐसे नहीं कि अगर मैं नहीं बना उसको छोटा छोटा प्लेट नहीं बनाती तो वो ऐसे ही गिरा रहता और इसके साथ मैच नहीं होता।
और आज मैंने थोड़ा कैमरा दूसरे एंगल पे रख के भी मैंने शूट किया है और उस तरफ कैमरा एंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरफ के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा धूप ज़्यादा पड़ती है तो फोटो वगैरह या फिर वीडियो वगैरह ज़्यादा नज़र नहीं आती। इस तरफ का कैमरा एंगल बिल्कुल सही है, मैं अच्छी भी लग रही हूँ और ड्रेस का पूरा कलर भी मैच हो रहा है। और हाँ, आप लोगों को ये वाला ड्रेस कैसा लगा मुझे बताएगा ज़रूर। वैसे ये ड्रेस मैंने 3 साल पहले शायद बनाया था लॉकडाउन के टाइम पर, और ये ड्रेस मैंने बहुत पहना है, क्या बताऊँ। मतलब कभी अगर फ्रेंड्स के घर पे जाती थी तब भी ये पहनती थी, फादर के साथ मार्केट में जाती थी तब भी पहनती थी। ये फ्रॉक मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, कम्फर्टेबल भी रहती हो और प्यारी भी लगती हो। खुले वालों के साथ तो ये वाला ड्रेस ना बहुत ही अच्छा मैच होता है। इसका मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ था 1 साल पहले, तो मैंने सोचा कि अगर पूरा कटिंग के हिसाब से अगर वीडियो बना ही है तो फिर क्यों ना मैं यूट्यूब पे भी उसको डाल दूँ। ड्रेस पुरानी हुई तो क्या हुआ, जो जो मैंने ड्रेस बनाया वो सब में से दिखाना तो है ना। और ये हाँ, मैंने फ़ोटो के साथ थोड़ा पोज करती हूँ ताकि मैं थंबनेल पे डाल सकूँ। वही टुकड़ों वाली ज़िंदगी मेरी। ये थी आज की ड्रेस की रिव्यू, ये कैसी लगी आप बताना ज़रूर। और हाँ, ये ड्रेस तो वैलेंटाइंस डे पे बहुत सूट करेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे काम और मेरे डिज़ाइंस आपको पसंद आते हो तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन फील हो और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस में बनाकर आपको दिखा पाओ। थैंक यू।